नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वक्त हो गया है राजधर्म का। राजधर्म में आज बात बीजेपी के एक ऐसे उम्मीदवार की जिसकी आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। ये चर्चा किसी नेगेटिव रीजन से नहीं है, ना ही बीजेपी के इस उम्मीदवार ने कोई विवादित बयान दिया है। बीजेपी का ये कैंडिडेट सुर्खियों में है प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ के कारण। हम बात कर रहे हैं हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता की, जो AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ ताल ठोक रही हैं। माधवी लता, इस बार इंडिया टीवी के स्पेशल शो आपकी अदालत में हमारे एडिटर इन चीफ रजत शर्मा की खास मेहमान थी। प्रधानमंत्री मोदी ने आपकी अदालत का ये पूरा एपिसोड देखा, इसकी सराहना की। माधवी लता इस वक्त खुद हमारे साथ जुड़ गई है। माधवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। नमस्कार मीनाक्षी जी। माधवी जी, आज तो लगातार सुबह से इतनी चर्चा है, हर कोई ये पूछ रहा है माधवी लता तो फ्लावर नहीं फायर है, इतनी तारीफें हो रही हैं आपकी, कैसा लग रहा है आपको? इतना अच्छा लग रहा है कि पहली बार देश में सच बोलने के लिए तारीफ मिल रहा है, पहली बार देश में हिम्मत दिखाने के लिए तारीफ मिल रहा है। और हमने ये सब सच्चाई का रास्ता पकड़ना और धर्म का रास्ता पकड़ना, हमको ये सब इंस्पिरेशन अपने प्रधानमंत्री मोदी भाई से ही मिला है। माधवी जी, मैंने उनका पोस्ट भी देखा और उन्होंने आपके लिए बड़े अच्छे अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया और उन्होंने अपील की कि आज रात 10 बजे आपकी अदालत का ये शो ज़रूर देखें। और आपकी तारीफ में उन्होंने कहा बड़ा ही लॉजिकल हैं आप, पैशनेट हैं आप और एक्सेप्शनल आपको कह रहे हैं वो। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझती हूँ क्योंकि प्रधानमंत्री जी अपने इतने टाइट शेड्यूल के बावजूद भी हम जैसे एक आम जनता जब बात करते हैं तो उनके लिए इतना वक्त निकाल कर वो हमारे शो देखकर हमारे प्रति एक प्रशंसा कहिए, तो मैं तो बहुत अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ क्योंकि जब उन्होंने हमको टिकट दिया है तभी मैं इतनी आश्चर्यचकित थी, क्या वाकई कोई प्रधानमंत्री देश के और कोई पार्टी के इतने बड़े नेता किसी को देखे बिना एक आम इंसान को जो 20 साल से लोगों के लिए काम करते हैं जनता से उठाकर जब उसको सीट दिए तो मैं तो चौंक गई। इतना ट्रांसपेरेंट पॉलिटिक्स ही मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद जब हमारे यहाँ शो हुआ तो मानिए तो सही प्रधानमंत्री का, उन्होंने तो टाइम भी नहीं मिलता उनको सोने के लिए, मेरे हिसाब से वो 4-5 घंटे से ज़्यादा तो नहीं सो पाएंगे। उसमें भी उन्होंने वक्त निकाल कर हम जो बात करें, जो सच्चाई को हमने प्रकट किया देश के सामने, उसका तारीफ जो प्रकट करे, हम आभारी हैं उनका इस तारीफ का। अच्छा माधवी जी, वाकई में क्या कभी भी प्रधानमंत्री मोदी जी से कभी आपके फ़ोन पर बातचीत नहीं हुई थी आपके कैंडिडेचर अनाउंस होने से पहले? क्या कभी उन्होंने व्यक्तिगत रूप से आपसे कोई मुलाकात नहीं थी? क्या कभी किसी पब्लिक मीटिंग में भी आप नहीं मिले थे? साहब, जितना सभी लोग टीवी में देखते हैं ना, हमने भी उतना ही मोदी भाई को टीवी में देखा था और जितना न्यूज़पेपर में सभी पढ़ते हैं ना, हम भी उतना ही पढ़ा है। हम उनके सही में बहुत अच्छे फैन हैं, लेकिन एक आम जनता के जैसे हमने तो कभी नहीं देखा है। पहली बार हमारा टिकट अनाउंस हो जाने के बाद जब वो मल्काजीगिरी में रोड शो पे आए थे तभी उनसे मुलाकात हुई है और बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा माधवी जी, रजत जी के इस आपकी अदालत शो के बाद मैं लगातार वो जो हैशटैग माधवी लता इन आपकी अदालत, इस पे जाकर मैं देख रही थी कि लोगों ने किस तरीके के कमेंट किए हैं, लोगों को आपकी ऐसी कौन सी बात बहुत अच्छी लग रही है। तो मैंने देखा कुछ लोग आपको अम्मा कह के बुला रहे हैं, कुछ माँ जी कह रहे हैं, कुछ अक्का कह के बुला रहे हैं। हाँ जी, इसलिए क्योंकि जिस प्रकार के संघ सेवा का काम हम, यानी कि सोशल वर्क का काम हम कर रहे हैं 20 साल से और खास करके 8 साल से हैदराबाद की लोकसभा पार्लियामेंट में, उसके साथ साथ हमने 55 दिन का एक महायज्ञ करते हैं, भारत भाग्य समृद्धि यज्ञ, देश के भविष्य के लिए और भाग्यनगर के भविष्य के लिए। वो भी हमने पहली बार
ये पुरानी बस्ती जो हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट कहते हैं, वहाँ पे एक बहुत ही पुराना मंदिर जो 700 से 800 साल पुराना है रामालय में, हम लोग करी थी वहाँ पर। पूरे भारत देश से 45 वेद पंडित वहाँ पे आए थे। तो इस प्रकार का ये महायज्ञ देश के भविष्य के लिए और भाग्यनगर के भविष्य के लिए कई सालों से किसी ने नहीं की, और खास करके एक स्त्री ने नहीं की है। तो माना जाता है हम पहले स्त्री है जो इतना बड़ा यज्ञ देश के लिए और अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के हित में किए हैं। इसलिए लोग मुझे माँ के नाम से भी बुलाते हैं, और हम प्रवचन भी देते हैं जिस प्रकार से हैंदव धर्म के संस्थापना के लिए। हैंदव धर्म को पहले समझना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, और उसका प्रथम यही है वाक्य, सबका साथ सबका विकास। यही और एक भाषा में और एक प्रकार से हम कह सकते हैं, मानव सेवा ही माधव सेवा है। माधवी जी, मैं इसी श्रृंखला में और आगे पढ़ रही थी, लोग तो आपको भाग्यनगर की शेरनी भी कह रहे हैं। अभी कई सालों से जो हम काम करते आए हैं उसमें चंद ऐसे काम है जिसके वजह से हमने बहुत स्त्री पुरुष बच्चे नौजवान हिंदू और मुसलमान सभी लोगों के अंदर उनके लिए कुछ हित करने के लिए हमने जो काम किया है, हम सबका मन जीतने का एक भाग्य हमें मिला है। जैसे कि 1008 फ्री नॉर्मल डिलीवरीज में एक 10 महीने पहले हमारे एक चैरिटेबल ट्रस्ट है लतामा फाउंडेशन, उसके नाम से हमने डिक्लेयर किए हैं। और इस ट्रस्ट का जो 1008 फ्री नॉर्मल डिलीवरीज है, हम खास कर उन गरीब हिंदू महिला और पसमंदा मुसलमान स्त्री के लिए करते हैं जिनके पास डिलीवरी करवाने के पैसे तक नहीं होते हैं। और इस सिलसिले में हमने आगे बढ़कर कई सारे मेडिकल कैंप्स किए थे, तकरीबन 1000 तक मेडिकल कैंप हमने टच कर लिया है, और यज्ञशाला में भी हमने मेडिकल कैंप की थी, और फ्री दवाइयाँ भी हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, राशन देते हैं बच्चों को पढ़ाई के लिए, गवर्नमेंट कॉलेज में स्कॉलरशिप यानी कि उनका फीस भरते हैं। ऐसे ये रास्ता जो पकड़ कर हम निकले हैं, तो हमने एक ही हमको समझ में आया कि इंसान की गरीबी के लिए न कोई जात होती है, न कोई मत होती है, कुछ भी नहीं होती है, बस गरीब गरीब होता है और एक माँ माँ होती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन माधवी जी, आपको आपकी सोशल वर्क के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए माँ का दर्जा, अक्का का दर्जा तो दिया जा सकता है, लेकिन आपको शेरनी का दर्जा तो इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आप असदुद्दीन ओवैसी के पॉलिटिकल लेगेसी को चैलेंज कर रही हैं। अभी जब माँ अपने बच्चों के लिए हित में शेरनी बन जाए तो माँ शेरणी माँ हो जाती है। तो इस प्रकार से शायद हमारे कॉन्स्टिट्यूएंसी वाले मुझे शेरणी कहा होगा। और अक्का तेलुगु भाषा जो हमारी मातृभाषा है, यहाँ अक्का का मतलब होता है दीदी, बड़ी दीदी, ऐसी दीदी जो डंडी पकड़कर ठहरे कोई अपनों के पास आकर उनके प्रति कोई गलत करने की भी कोशिश करे। तो हम डंडी भी पकड़ते हैं और शेरणी के जैसे अपने बच्चों के हित में भी काम करते हैं। नहीं तो ये डंडा आप माधवी जी किस किस पर चलाने वाली हैं और कैसे चलाने वाली है? जैसा ये चर्चा चल रही है, असदुद्दीन ओवैसी बड़े लीडर हैं और पॉलिटिकल लेगेसी वाले लीडर हैं, मुस्लिम डोमिनेंट इलाकों में तो उनकी गजब की पॉपुलैरिटी है, बल्कि पूरे देश में भी उनकी पॉपुलैरिटी को कोई कम तो नहीं आंक सकता, आप उसे चैलेंज कर रही हैं। मीनाक्षी जी, पॉपुलैरिटी का तो कौन सी बड़ी बात है मीनाक्षी जी, अगर आप आज भी कोई अच्छे प्रोग्राम मोदी भाई का या अमित भाई का या ऐसा कई चंद महान लोग जो अच्छे कार्यक्रम करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि एक 100, और हालांकि जब मैंने भी कुछ चंद ऐसे अच्छे काम करने के लिए निकली हूँ या मैं कुछ सच को बाहर निकालने की मैं प्रयत्न करती हूँ, तो जब भी आप देखिए कि वो कमेंट्स सेक्शन में जाकर अगर आप प्रयत्न करेंगे जी, तो अच्छे कमेंट्स 90 होते हैं, तो वो 10 कमेंट चुन चुन कर उनसे कहलवा जाता है मुसलमानों से, जो सच्चाई नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब उनके भी प्रोग्राम होता है तो इन्हीं आप उनके प्रोग्राम में जाके देखिए,
आपको एक ही मैं उदाहरण देती हूँ, जब इनके बेटी की, बड़ी बेटी की रिसेप्शन, एंगेजमेंट हुआ है, आप पूरे कमेंट सेक्शन में जाके देखिए, जो उर्दू में है वो भी ट्रांसलेट करके देखिए, आपको गालियाँ दिखते हैं वहाँ पर, सिर्फ गालियाँ दिखते हैं वहाँ पर आपको। वो है असल सच्चाई वहाँ का मुसलमानों का। यहाँ के पसमंदों की ज़िंदगी इतनी बदतर है, लेकिन कहे तो कैसा कहे बताइए। जो इंसान मुख्तार अंसारी का साथ देता है, जो इंसान ISIS के साथ देता है, बताइए तो सही, उनसे कौन नहीं डरता यहाँ पर? मुसलमान भी डरते हैं, हिंदू भी डरते हैं। लेकिन तो अभी जायज है, मैं तो उन्हीं का एक्सपोज़ उन जो कहेंगे वही बाहर आएगा जी। माधवी जी, मैं तो असदुद्दीन ओवैसी का ही एक्सपोस्ट पढ़ रही थी। उन्होंने लिखा, मेरी जिंदगी का मकसद मेरे दीन की सरफराजी, मैं इसलिए मुसलमान, मैं इसलिए नमाजी। हाँ भाई, आप जो भी है यही है, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो कहाँ मुकम्मल कर रहे हैं आप? अगर आप सच्चे मुसलमान होते, सबसे पहली बात, आप कोई दूसरे मजहब के भगवान के ऊपर ऐसा गाली वाले बात नहीं करते, आप कभी नहीं करते। आप सच्चा मुसलमान बनने के लिए पहले हर मजहब का मर्यादा करना सीखना पड़ता है। वो अपने चार मीनार में जो भाग्य लक्ष्मी है ना, अरे उनको तक नहीं छोड़ा है कमेंट फेंकने के लिए उनके ऊपर। ये है सच्चा मुसलमान। हमारे सारे स्पीचेस सुनिए, मोदी भाई का सुनिए, अमित भाई का सुनिए, किसी का भी सुनिए, कभी हमने कोई भी इस्लाम के बारे में गलत कहा है आज तक? नहीं। हालांकि हम लोग कहते हैं इस्लाम बहुत अच्छा मजहब है, ये ऐसे लोग ही उस मजहब को और उस मजहब को सही मायने में अब्दुल कलाम जैसे लोगों को भी ये लोग गलत साबित करने के माहिर है। ये लोग नहीं, आज भी हमारे पास भाजपा में माइनॉरिटी है जी। बोले बोले माधवी जी। वो लोग हमारे साथ आज सारे मंदिर फिरे हमारे साथ, अब बताइए तो फिर वो कौन से अच्छे मुसलमान है? ओवैसी जी तो जो खुद के मस्जिद तोड़ने पर मदद करते हैं एयरपोर्ट्स बनाने के लिए जी। मीनाक्षी जी, मैं ये कह रही हूँ कि ओवैसी जी से तो इससे ठीक उलट कहते हैं। वो तो ये कहते हैं कि मुसलमान सुरक्षित नहीं है। तो इनके गढ़ में तो सुरक्षित नहीं है ना जी, पहले उसके बारे में बात करेंगे। जो 40 साल से जहाँ ये MP बनकर फिर रहे हैं और तकरीबन 7 उसी MP कॉन्स्टिट्यूंसी के, 6 कॉन्स्टिट्यूंसी के उन्होंने MLAs हैं, नामपल्ली का भी MLA उनका खुद का है, तो बताए तो सही वहाँ पसमंदा दिन ब दिन बदतर क्यों होते जा रहे? बताए तो सही, रिक्शा चलाने वाला रिक्शा चलाते ही क्यों जिंदगी खत्म हो जा रहे? अच्छा, आपको मैं एक ही सवाल कहती हूँ, आपसे करती हूँ। कोई इंसान अपना मजहब को तरक्की करवाने के लिए 500 रुपए का इलेक्ट्रिकल बिल फ्री देने के वादा करता है क्या साहब? 300 रुपए 400 रुपए का पानी फ्री देने के लिए मीटर का बिल मैं मुफ्त करवा दूंगा, निकलवा दूंगा कहता है क्या? ये तरक्की करेगा मुसलमानों का? साहब ये कहना चाहिए कि हम आपका हौदा बढ़ाएंगे, आपको जीवन में ऐसी स्थिति लेके आएंगे ताकि आपको फाइनेंशियली कभी भी एक हालत पे नहीं दिखना पड़ेगा खुद को कि आपको करंट बिल उठाना पड़ेगा और वाटर बिल उठाना पड़ेगा। ऐसे इंसान राजनीति में रहेगा ना तो मुसलमान की तरक्की तो दूर की बात है। अगर आवाज उठाने की भी कोशिश करेंगे ना, दबा देंगे ये लोग। साहब ये सियासत जैसे बहुत ही मशहूर पेपर के न्यूज के जर्नलिस्टों को तक नहीं छोड़े साहब, जब ये लोग सच्चाई को बाहर निकालने की कोशिश करे थे। ये लोग किंग्स ग्रुप में जो हाथ मिलाकर काम करते हैं ना, हिम्मत है क्या किसी मुसलमान को किंग्स ग्रुप के खिलाफ बात करने के लिए?
कितने कब्जे किए हैं, कितने किंग्स ग्रुप के ये लोग फंक्शन हॉल्स बनाए हैं, कितने अपार्टमेंट्स बनाए हैं लोग ने, क्या समझ रहे आप? किसी मुसलमान ने आवाज नहीं उठाई होगी? बहुत सारों ने उठाया और बहुत सारों ने जेल भी देखी है, डंडे भी खाई इन लोगों से। डर डर चुप बैठ जाएंगे। और जो कमेंट्स करते हैं ना, जो नारे लगाते हैं ना, वो सिर्फ चंद उस मुसलमान है जो इनके पैसों पे पलके बड़े हो रहे हैं। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जिस दिन ये लोग भी आंख खोल के समझ जाएंगे सच्चाई। माधवी जी, आप ये कह रही हैं कि इनकी वजह से केवल हिंदू ही नहीं बल्कि इनके अपने खुद मुसलमान भी डरे हुए हैं, बल्कि इसके ठीक उलट तो ओवैसी जी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मैं उन शैतानी ताकतों से कह रहा हूँ, मैं उन्हीं को कोट अनकोट पढ़ रही हूँ, मैं उन शैतानी ताकतों से कह रहा हूँ, एक बात याद रखो, मैं कोई मुर्गी का बच्चा नहीं, मैं इतनी आसानी से जाने वाला नहीं हूँ। साहब, मुर्गी का बच्चा कौन कहा इनसे? ये खुद के इतने बड़े बड़े एग्जाम्पल्स क्यों ले रहे हो? जो कहा ही नहीं इनको मुर्गी किसी ने, तो कुछ समझ में आ गया इनको, इन्हें मुर्गी है बोलकर आप उठा क्यों रहे हो ऐसे उपमान अपने लिए? तो आप समझते हो खुद को मुर्गी? कहीं तो डर पैदा हो गया ना आपको, मुर्गी मत समझो, जब किसी ने समझा ही नहीं आप क्यों कह रहे हैं ये सारे बात? तो आपको समझ में आ गया आप मुर्गी है, जब आप मुर्गी है तो निकलने का टाइम भी आ गया, निकल जाओगे आप। आपको तो ऐसे एग्जाम्पल्स देने में मजा आता है ना, जैसे कि बीफ काने नहीं देंगे, ओढ़ डालो मेरे को, तो आप बीफ खा सकते हो। तो उसी कक्षा उसी में मुर्गी का एग्जाम्पल, बीफ का एग्जाम्पल, अपने आप को एक स्टैंडर्ड एग्जाम्पल दे दो साहब। पता नहीं मेरे समझ में तो ऐसे लोग कभी नहीं आते। माधवी को कमजोर समझ गए। अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माधवी जी, आप जितनी सनातन की बात करती हैं, क्योंकि मैंने पूरा शो दो मर्तबा देखा आपके अदालत का और मैंने कई दफ़ा आपके उन जवाबों को सुना, उसे सुनकर मुझे ये लगा कि जो मंत्रोच्चार करती हैं, जो भजन का पाठ करती हैं, जो रुद्राक्ष की माला पहन के, रजत जी ने भी आपसे सवाल पूछा था, जब आप मुसलमान भाइयों के बीच में जाती हैं तो क्या वो आपको बड़ी हैप्पीली एक्सेप्ट करते हैं, अपने बीच का पाते हैं? क्यों नहीं करते साहब? कबीर के दोहे क्या हम सब लोग नहीं पढ़ रहे? जो साईं बाबा को मानते हैं पुणे में, क्या दोनों मजहब नहीं मान रहे? जब दरगाह जाते हैं कहीं हिंदू, क्या नहीं जा रहे? जो तिरुपति, जो हम यहाँ बालाजी बोलते हैं, वेंकटेश्वर स्वामी, कहीं मुसलमान जाते हैं? साहब, इंसान के बीच जाने के लिए किस बात का डर? मैं कहती हूँ ऐसा बहुत सारे मुसलमान हैं हैदराबाद लोकसभा पार्लियामेंट में जो बड़े ही अच्छे हैं दिल से। आज तक तो मैंने कोई भी रुद्राक्ष नहीं निकाली है, कोई भी बिंदी नहीं निकाली है। मैंने एकदम अपनी जो हिंदुत्व को मैं मानती हूँ, जो हिंदू स्त्री हूँ मैं, इसी प्रकार मैंने गई हूँ उनके बीच, इसी प्रकार मैंने उनकी सेवा की है। एक दिन भी उन्होंने नहीं रोका मुझे, रोकते तो 8 साल से कैसे करूंगी साहब, बताइए आप मीनाक्षी जी। ये गलत फहमी है जो असद जी स्वयं उठा रहे हिंदू मुसलमान के बीच में। नहीं, वो तो कहते हैं कि मैं लोगों को अपने मुट्ठी में रखकर उन कौन सी संविधान के बात करते हैं? अगर संविधान के बात करते हैं तो आर्टिकल 30 का एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं देते? वो 75 इयर्स अंबेडकर बाय ने आर्टिकल 30 दी उन लोगों को। आर्टिकल 30 के हिसाब से वो लोगों को मद्रास होमे से मैं ठोक ठोक कर हजार बार यही कहूंगी, क्यों नहीं वो लोगों को CBSE या स्टेट बोर्ड का परमिशन लेकर बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे मदरसों में? लड़की तो बिल्कुल वहां पे हिजाब में जाकर आराम से बैठकर पढ़ सकती ना, दिया गया ना आपको ये सहूलत, ये वसती आपको दिया गया ना, क्या कर रहे हैं आप इससे? क्यों मदारसों से डॉक्टर्स बाहर नहीं निकल रहे? इंजीनियर्स बनकर बाहर क्यों नहीं आ रहे बच्चे? लॉयर्स बनकर क्यों बाहर नहीं आ रहे बच्चे?
कौन से संविधान की बात करते हैं साहब? ये लोग को ना सिर्फ हिंदू मुसलमान के बीच में लड़ाई झगड़ा रखने का बहुत शौक है, जब तक ये ब्रिटिश रूल है साहब, डिवाइड एंड रूल, जब तक आप इनको दो अलग बना के रखोगे आप अपना काम करते जाओगे। और जय भीम जय मीम, कौन सा जय भीम जय मीम के ये लोग मानते हैं? या कितने एससी एसटी लोग को पसमंदा कौन है बताइए मेरे को? पहली बात कौन है जी पसमंदा लोग? यही से आए सो एससी एसटी के ही तो पसमंदा है, खुद के पसमंदों को कुछ करते नहीं। अंबेडकर भाई का बात नाम इस्तेमाल करके ये लोग वोट्स लेना चाहते हैं। पहले अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी का कचड़ा साफ करने में लग जाने के लिए बोलिए उन्हें, देश के बारे में बाद में देख सकते हैं। नहीं, आपने बातों में हिजाब की जो बात कही, माधवी जी, कोई देखने वाला नहीं है ना, इतनी चर्चा, इतना विवाद हुआ हिजाब की ही बात पर, तो मैं इस पर भी आपकी राय ले लूं। उन्होंने कहा हिजाब तो हमारा हक है, हमसे हमारा अधिकार छीना जा रहा है, हमारे धर्म में घुसा जा रहा है। वो तो कितनी बार ये बात कह चुके हैं। और फिर अपनी बेटी की ही वो एग्जाम्पल देते हैं, उन्होंने कहा कि मेरी हाँ? बेटी हिजाब पहनती है, वो डॉक्टर है, वो लोगों की सेवा करती है, इलाज करती है, ऐसी बातें उन्होंने कहीं कही है। अच्छा, आपके सवाल में तीन सवाल है, मैं पहली बार के बताती हूँ। हिजाब हमारा हक है, किसने नहीं कहा आपका हक है? हाँ भाई, हिजाब आपका हक है, मदरसा में जाइए, हिजाब पहनिए, अंग्रेजी पढ़ाई करिए, रुकने वाला कौन है? माइनॉरिटीज को इस प्रकार के सूक्ष्म यानी उनके पर्सनल रिक्वायरमेंट्स होते हैं, इसीलिए तो आर्टिकल 30 रखा है, तो नहीं तो आर्टिकल 30 निकलवा दीजिए। क्यों चाहिए आपको आर्टिकल 30 जब आपको सही मायने में इसको इस्तेमाल करना नहीं आता है? तो क्योंकि मुसलमान लड़कियों को हिजाब पहनना है, उनका मजहब उनको हिजाब पहनने के लिए कहती है, इसीलिए तो आर्टिकल 30 के तहत उनको मदरसा दिया गया है जहाँ पे लोग अंग्रेजी पढ़ाई कर सकती हैं। ये लोग आकर जो हिंदू स्कूल्स और कॉलेजेस रखते हैं जहाँ पे हमको भगवद्गीता पढ़ाने की हक नहीं देता है अपना राज्यांग, यहाँ पे आके ये लोग हिजाब कैसे पहन सकते? तब तो एक काम करिए ना साहब, हमको भी आर्टिकल 30 में इंक्लूड कर दो, हम भी भगवद्गीता पढ़ा लेंगे अपने हिंदू स्कूल्स में, हम भी रामायण पढ़ा लेंगे, हम भी वेद पढ़ा लेंगे, समानता आ जाएगी। और दूसरी बात तो ये है, अब उनकी बेटी का बात खुद निकाले जो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन कह रहे बेटी हिजाब पहनकर डॉक्टरी का काम करती है, तो फिर बिना हिजाब के एंगेजमेंट के फोटोज पूरे दुनिया में क्यों भी जाए आप बताइए? आप 2018 में जो एंगेजमेंट हुआ उनका घर का सारा परिवार औरत लोग बिना हिजाब के ठहरे, क्यों? क्योंकि आप 6 करोड़ का प्रोग्राम कर रहे हैं, तो पूरे पॉश मुसलमान आएंगे, तब हिजाब नहीं पहनेंगे आपके घर के औरतें। लेकिन जब डॉक्टर करते जाएंगे जहां बेचारे पेशेंट को डॉक्टर का सूरत देखना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर का इमोशन जब तक नहीं समझेगा पेशेंट को, एक हिम्मत नहीं आती है, वहां पे आप हिजाब पहनाएंगे लड़की को डॉक्टर पढ़ाकर एंगेजमेंट में बिना हिजाब तैयार होकर? साहब अगर सुनने वाले बेवकूफ है तो ना सुनने वाले कुछ भी सुना देते हैं, हम बेवकूफ नहीं है इसलिए हम नहीं सुनते इनके बात। आपने एक खटकती होंगी जहां पे भी है वो बराबर खटकती होंगी। अच्छा, तो कभी कोई मैसेज पहुंचा है आपके पास वाया एनी सपोर्टर कि आप बहुत बोल रही हैं, खटक रही हैं? इतना हिम्मत भी है पहुंचा के तो कोशिश करके देखने दीजिए, उसको भी बाहर निकालेंगे हम। अच्छा, अभी ये नहीं चलेगा अपने पास जी, जो बेचारे कमजोर है ना उनसे करे उन आज इतने साल ये काम, हमारे पास नहीं चलेगा ऐसा। हाँ, एक बात तो है जी, कि जब हम सारे ओल्ड सिटी में हिम्मत से फिरते हैं तो कोई छोटा मोटा बच्चा से या कोई छोटा मोटे लड़के से या कोई तीसरी पार्टी से ये करवा सकते जो भी करवाना चाह रहे, लेकिन जैसा कांग्रेस के MLA जब कैंपेनिंग के लिए आए ना, असद जी खुद आके रोक दिए उनके कार,
आके रोकने के लिए बोलिए, देखेंगे हमारे कार को ऐसा, जब हम भी जा रहे कैंपेनिंग, ये सारा देश हमारा है, ये मुल्क हमारा है, और जितना उनका है, जितना असद जी का, मैं मुसलमान का नहीं कहूंगी, जितना असद जी का है उतना मेरा भी है। ये देश हर हिंदू हर मुसलमान का है, रोक के तो देखने दीजिए, तब देंगे हम जवाब उनको। माधवी जी, इस शो में आपकी अदालत में रजत जी के एक सवाल पर आपने जवाब में कहा कि पहले कम्युनल राइट्स होते थे, अब पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, ऐसा आपने क्यों कहा? पॉलिटिकल राइट्स? हाँ जी, पहले पॉलिटिकल राइट्स होते थे, हिंदू मुसलमान के नाम लेकर दंगा फसाद कराते थे, क्यों ये भी समझाती थी। भवानी नगर है, ऐसा बहुत सारे जगह है, तालाब कट्टा है, तालाब कट्टा का नाम कहाँ से है समझे आप? पूरे घर है वहाँ पे, कहाँ से घर है समझे आप? वो पहले तालाब कट्टा ही नहीं था उसका नाम, आचेरुवू आरेवू कुछ अलग ही नाम था, उसके ऊपर पानी पे पूरा मिट्टी भर दिए, घर बना दिए लोग, उसके लिए क्या करना पड़ता? पहले हिंदू मुस्लिम का झगड़ा करवाना पड़ता। वैसे भवानी नगर में, ये मैं कही कब कह रही हूँ, 30 साल की पहले की कहानी कह रही हूँ मैं, एक 5-6 एकड़ थे कोई हिंदू के बेचारे के, 30 साल 35 साल के पहले, तो वहाँ पे कुछ उगाते थे, तो उन लोग डराए, उन लोगों को डरा के वो लोग नहीं माने, मार दिए लोगों को वहाँ पर। अभी लोग मारने के बाद क्या समझते? मुसलमान मारे समझते, तो हिंदू तो कौन चुप बैठेंगे जी? अगर आप कत्ल करोगे तो भड़क जाएंगे, इनके घर उनको मारना, उनके घर इनको मारना। अब ये पॉलिटिकल क्यों कह रही हूँ मैं? अभी आप ही देखिए, राजशेखर रेड्डी साहब के टाइम पे दौरान शमशाबाद एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन हो गया ना, तो उसके अंदर क्या था? मस्जिद था, वहाँ पे क्या था? 1000 एकड़ इनका था, किसका? वक्फ बोर्ड का। ये आगे लेके चले जाते तो वहाँ से इनको ये मुसलमानों का जो प्रॉपर्टी है वैसा खा लेते। अब पॉलिटिकल में क्यों कह रही हूँ? अभी पोल नंबर 16 मलकपेट चंचलगुड़ा फ्लाईओवर, सामने असद जी का, दोस्तों का, उनका फ्रेंड्स का, उनका अपने बिरादरी लोगों का, बिरादरियाँ ना मुसलमान नहीं, दोस्तों का बिरादरी लोगों का बहुत बड़ा अपार्टमेंट्स है। अब अपार्टमेंट निकल जाएगा, इसलिए क्या करें वो लोग, स्टील स्ट्रक्चर को जो पहले से नहीं जाना था वो हनुमान जी के मंदिर के तरफ मोड़ दिए उसको। हम स्वयं बैठे धरने के ऊपर उस दिन। अब ये पॉलिटिकली तो हुआ ना साहब, ये कैसे मैनेज करते हैं? अलग 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 पॉलिटिकल स्ट्रक्चर से मैनेज करते हैं, बताइए तो सही। लेकिन माधवी जी, स्ट्रक्चर को आप ध्वस्त कैसे करेंगी? आप खुद कह रही हैं, अच्छा अभी तक हिस्टोरिकल जितनी विंस हैं, जितनी असदुद्दीन ओवैसी यहाँ से चुनाव जीतते आए हैं या उनके फोर फादर्स जीतते आए हैं, बड़ी अच्छी जीत उन्होंने हासिल की है, इस स्ट्रक्चर को आप कैसे ध्वस्त करेंगी? बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसका 3 ही 3 उपाय है। मीनाक्षी जी सुनिए, सारा देश सुन रहा है, इलेक्शन कमीशन भी सुन रही है, होम मिनिस्ट्री भी सुन रही है। सबसे पहली बात, 1140 पोलिंग बूथ से जो माइनॉरिटीज के अंदर है, जो क्रिटिकल भी है, वल्नरेबल भी है, सेंसिटिव भी है पोलिंग बूथ्स, अगर वहां पर अब की बार तगड़ी सीआरपीएफ को तैनात करे तो फर्स्ट पॉइंट, वहां पे 3 बजे के बाद पोलिंग बूथ के दरवाजा ना बंद करते हुए, रिगिंग ना करते हुए अगर सीआरपीएफ वहां पे पूरा कंट्रोल ले लेती है तो वहां पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, पोलिंग मैनेजमेंट जो इलेक्शन कमीशन से आते हैं, एक औरत को तैनात कम से कम कर पूरा मुसलमान को नहीं तैनात करते हुए, एक हिंदू, एक मुसलमान, एक औरत को तैनात कर सारे मुसलमान लेडीज जो आते हैं पक्की की तरह से, उनको अगर आधार कार्ड उनका देख कर अगर वो लोग वोट डलवाते हैं तो इससे भी और आगे पॉइंट,
वेबकैम्स को जैम न करते हुए कंटिन्यू सर्वर अगर चालू है क्या हो रहा है पोलिंग बूथ में, तो अगर ये लोग 5 बजे को पोलिंग बंद करते हैं उस वक्त जितने भी लाइन में खड़े हैं ना, ये सारे लोगों को एज पर इलेक्शन कमीशन रूल बंद कर वहां तक सबको अंदर ले लेकर बाहर का गेट बंद कर जितने सारे लोग हैं उनसे वोट कराते हैं। पता है इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं लोग? सारे लोग बुरके में आ जाते, 14 साल की लड़की, 13 साल की लड़की, 15 साल की लड़की, जो वोट डाले जो वोट ने सभी आ जाते हैं। नहीं माधुरी जी, इसका मतलब तो ये है कि आप ये कह रही हैं कि इलेक्शन कमीशन वाले बेचारे क्या करते हैं, आया ही नहीं इलेक्शन कमीशन, क्या कभी इसे भाप नहीं पाया, इतना ज्यादा फ्रॉड हो रहा था भाई। इलेक्शन कमीशन वहां पे कुछ नहीं कर सकती क्योंकि एंड ऑफ द डे इलेक्शन कमीशन को जीएचएमसी का स्टाफ का सपोर्ट लेना पड़ता है, ये बात सारा देश को जानना पड़ेगा, ये बात सारा देश को जानना पड़ेगा। कुछ मत करिए मीनाक्षी जी, सिर्फ अगर अब की बार तगड़ा सीआरपीएफ को उतार कर माइनॉरिटी पोलिंग बूथ्स पे जहां अच्छा चलती है ना लेके आके लोगों को वहां तैनात करते हैं, माइनॉरिटी पोलिंग बूथ छोड़कर, ऐसा नहीं, अगर उनके पोलिंग बूथ पर तैनात कर रिगिंग मत करवाइए ना, देखते हैं ना, देखते हैं, चैलेंज लेने के लिए बोलिए असद को, मैं तैयार हूं। तैयार है क्या वो? अब तो उनसे बात करनी पड़ेगी उनसे बात करनी पड़ेगी। आप बहुत ही कॉन्फिडेंट साउंड कर रही हैं आप बहुत कॉन्फिडेंट साउंड कर रही हैं, क्या कभी कभी ऐसा नहीं लगता कि ये ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं है? हम जीत कर निकलेंगे मीनाक्षी जी, हम मीनाक्षी जी, हम जीत कर इतिहास बनाएंगे। सिर्फ पोलिंग बूथ के दिन, पोलिंग के दिन मई 13 तारीख को सारे 2000 पोलिंग बूथों का आप रिले सारे जर्नलिस्ट देश पर करवाइए, कुछ मत करिए आप। 2000 पोलिंग बूथ्स को पूरा देश, पूरा विदेश को देखने जैसा सारे जर्नलिस्ट को लाइव करिए आप। सीआरपीएफ की जरूरत नहीं है मेरे को। 1994 पोलिंग बूथ्स पर आप सारे जर्नलिस्ट, देश भर के जर्नलिस्ट को तैनात करके वहां पर पूरा दुनिया को आप रिले करवाइए क्या हो रहा है वहां से, देख लेंगे मीनाक्षी जी, देख लेंगे। अच्छा माधवी जी, मुझे एक बात बताएं, आप भरतनाट्यम डांसर हैं, आप संगीत में भी रुचि रखती हैं, आप भजन भी गाती हैं, और आर्ट एंड कल्चर वाले इतना दबंग तरीके से बोले, ऐसे चैलेंज करके बोले। अब मेरे तो परिवार में बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, इससे मैं ये कह रही हूँ, मतलब ये बड़ा ही गजब का कॉम्बिनेशन है, मतलब ऐसा लगता है दो ध्रुव एक साथ एक जगह पे कैसे आके मिल गए। हाँ, तो फिर हम आईगिरी नंदिनी पे भी डांस करते हैं ना जी, हम शिव तांडव पे भी डांस करते हैं, नृत्य नृत्य लास्य भी है जो पार्वती नाचती है, नृत्य तांडव भी है जो शंकर भगवान भी नाचते हैं। जब हम स्टेज पे परफॉर्मेंस करते हैं तो पार्वती मैया के जैसा लास्य को करते हैं, लेकिन जब ऐसे सिचुएशंस हालात आते हैं हमको तांडव भी करना आता है भैरव बनकर। कमजोर नहीं समझना, आर्ट किसी को कमजोर नहीं बनाती है मीनाक्षी जी। बिल्कुल, मैं बिल्कुल ये बात मानती हूँ, और जब आपने ऐगिरी नंदिनी कहा तो मेरे मन में आया क्यों ना मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, ऐगिरी नंदिनी इतना सुंदर है ये तो। ऐगिरी नंदिनि नंदित मेदिनि विश्व विनोदिनि नंदिनुते गिरिवर विंध्य सिरोधिनि वासिनि विष्णु विलासिनि ज्येष्णुनुते भगवति हे सिति कंठ कुटुंबिनि भूरि कुटुंबिनि भूरि कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते।
बड़ा अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। राजनीति के क्षेत्र में बहुत कम आर्टिस्ट आते हैं क्योंकि उन्हें ये लगता है कि ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर काम करना किसी कलाकार के लिए असंभव है। क्या आपको भी ऐसा लगता है कभी कभी किसी आर्टिस्ट के लिए पॉलिटिक्स एक इंसान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है और मैं इंसान हूं। मोदी जी ने क्या पॉलिटिक्स बदली है आपको ऐसा लगता है, राजनीति करने का तौर तरीका? मोदी जी ने, हाँ, उन्होंने एक ऐसा नया दौर को लेके आए हैं, एक ऐसा एक इतिहास बनाने के लिए। आम जनता में से उन्होंने चुने हैं और हम सदा, जब तक हमारे में सांस है, हम उनकी जो उन जो हम पे अपेक्षा करते हैं, जो वो इस प्रकार के एक निर्णय लिए हैं आम जनता में से लीडरों को चुनने के लिए, हम आखिरी दम तक न्याय से, न्याय के लिए लड़ेंगे, सत्य के लिए लड़ेंगे और देश को एक बनाने के लिए लड़ेंगे और हम उनके लिए गर्व कारक बनेंगे। मेरी ओर से बहुत सारी शुभकामनाएं हैं माधवी लता जी, आपको बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी को समय देने के लिए, राजधर्म में हमारे साथ कनेक्ट होने के लिए। धन्यवाद मीनाक्षी जी, धन्यवाद।